पीएचए आवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए और लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है? आपको पता है लाहौर इज नोन एज ए सिटी ऑफ रोजेज एंड गार्डन और पीएचए इसमें मेन किरदार अदा करता है। काफी सालों से, पिछले कोई 15 सालों से हमारा जश्न बहारा हो रहा था और विंटर फेस्टिवल नहीं था, तो हमने इस मरतबा विंटर फेस्टिवल स्टार्ट किया है। इसमें फूड स्टॉल्स हैं, क्या उनको पंजाब फूड अथॉरिटी से उसकी तस्दीक करवाई गई है? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। हमारे को 40 स्टॉल्स हैं, एक हमारा फूड एंड आर्टिजन कोर्ट है और कोई भी फूड आइटम ऐसा नहीं है जो कि फूड जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसे चेक ना हो और लोग खाने की तारीफ ही करते हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी बेहतर हैं। क्या जितने भी पीएचए के मुलाजमीन हैं उन सबको रेगुलर किया जाएगा और जो अरसा दराज से 10-10, 12-12 साल से मुलाजमीन काम कर रहे हैं पीएचए में उनको अभी तक रेगुलर क्यों नहीं किया गया? पीएचए के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना जी, खास तौर पर हमारे जो गार्डनर हैं, माली हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यही बंदे हैं जो काम करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, और इनकी ये सारी इनकी एफर्ट है और इनकी एफर्ट की वजह से इदारे की भी नेकनामी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी नेकनामी है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ जीशान अली। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सरसब्ज़ो शादाब और खूबसूरत बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। विंटर फेस्टिवल का भी आगाज़ हो चुका है, आवाम को क्या क्या तफरीही सहूलियात फराहम की जा रही हैं? DGPHA जीशान जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर मुझे बताइएगा कि पीएचए आवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए और लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है? जी थैंक यू सो मच। पीएचए आपको पता है एक बड़ा की डिपार्टमेंट है, लाहौर की जो ब्यूटीफिकेशन का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा लाहौर को सरसब्ज़ शादाब बनाना है। आपको पता है लाहौर इज़ नोन एज ए सिटी ऑफ रोजेज एंड गार्डन्स और पीएचए इसमें मेन किरदार अदा करता है। हमने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स कंसीव किए हुए हैं इस इवेंट के लिए, इस कैलेंडर ईयर के लिए। उसमें हमने इस दफ़ा ऐड किया है विंटर फेस्टिवल को। काफ़ी सालों से, पिछले कोई 15 सालों से हमारा जश्न बहारा हो रहा था और विंटर फेस्टिवल नहीं था, तो हमने इस मरतबा विंटर फेस्टिवल स्टार्ट किया है। पूरे एक महीने का ये इवेंट है, इसमें गुले दाऊदी की नुमाइश भी है। उसके अलावा आपको डिफरेंट कल्चरल खाने मिलते हैं, फूड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे डिफरेंट सिंगर्स आते हैं, हमारी नात खाने का कॉम्पिटिशन हुआ है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हमारे हैं ख़ास तौर पर बच्चों और फैमिलीज़ के लिए। उसके अलावा हमने ट्री प्लांटेशन की एक मैसिव कंपेन की है जी। उसके अलावा हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं घरों में लोगों को कि वो भी दरख्त लगाएं, वो भी इसको ग्रीन करने में हमारी हेल्प करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर हो और स्मॉग का जो प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर, इन पर्टिकुलर लाहौर के अंदर, वो भी एड्रेस हो। अच्छा सर, विंटर फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है, हर साल जश्न बहारा मेला जो है वो लगाया जाता है मार्च के महीने में। इस दफ़ा रमज़ान मुबारक जो है वो मार्च में आ रहा है, तो क्या इस दफ़ा जश्न बहारा मेला जो है उसका इनेकाद किया जाएगा या टाइम से पहले लगाया जाएगा, इस पर क्या वर्किंग की गई सर? इसमें अभी हम विंटर फेस्टिवल में बिज़ी हैं, बट जश्न बहारा हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी एक्टिविटीज़ का, उसको हम डेफिनेटली करेंगे। उसमें वो जो डेट्स हैं उसको हमें अमेंड करना पड़ेगा। आमतौर पर फिर आप ये देखें, जो हमारा इवेंट है ना जी जश्न बहारा वाला, उसमें ख़ास तौर पर फन फेयर क्रिएट होता है वीकेंड्स के ऊपर या फिर शाम को जी, तो वो फिर हम इसको देख लेंगे कन्वीनियंस लोगों की। हमारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, उनसे भी हम बात कर लेंगे और देखेंगे कि हमने इसको बारह रमज़ान से पहले करना है या बारह रमज़ान के बाद करना है, बट वन थिंग इज़ श्योर दैट वी विल डू दैट। हाँ सर, मुझे बताएंगे कि कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं विंटर फेस्टिवल में और जो उसमें फूड स्टॉल्स हैं, क्या उनको पंजाब फूड अथॉरिटी से उसकी तस्दीक करवाई गई है? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। हमारे को 40 स्टॉल्स हैं, एक हमारा फूड एंड आर्टिजन कोर्ट है, उसमें फूड स्टॉल्स भी हैं, उसके अलावा आर्टिजन भी हैं जो डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं, और कोई भी फूड आइटम ऐसा नहीं है जो कि फूड जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसे चेक ना हो। अब उनकी एक अपनी SOP है, वो रैंडमली चेकिंग करते हैं, आते हैं, उनको लेटर हमने लिख दिया, उनको बता दिया, इनकी डेट्स भी हमने उनको कन्वे कर दी हैं, तो अब तक तो कोई नाखुशगवार वाकया नहीं आया और लोग खाने की तारीफ ही करते हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी बेहतर हैं। सर, गुज़िश्ता रोज़ आपने एक समरी अरसाल की है वज़ीर आला पंजाब को रेगुलराइजेशन मुलाजमीन के हवाले से, जो डेली पेड मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर करने के हवाले से। क्या जितने भी पीएचए के मुलाजमीन हैं उन सबको रेगुलर किया जाएगा और जो अरसा दराज से 10-10, 12-12 साल से मुलाजमीन काम कर रहे हैं पीएचए में उनको अभी तक रेगुलर क्यों नहीं किया गया? पीएचए के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना जी, खास तौर पर हमारे जो गार्डनर हैं, माली हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यही बंदे हैं जो काम करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, और इनकी ये सारी इनकी एफर्ट है और इनकी एफर्ट की वजह से इदारे की भी नेकनामी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी नेकनामी है। तो ये एक पूरा हमने कोशिश की कि हम इनको रेगुलराइज करें, बहुत इनको अरसा हो गया है। समरी हमने एक अरसाल कर दी है, उसमें जो हमारी सेंक्शन स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक जो वैकेंसीज़ बनती हैं वो हमने कम्युनिकेट कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने भी माशा हमें बहुत इंकरेज किया है और कहा कि इसको बिल्कुल हम फॉर्मेलिटीज़ के बाद करते हैं,
तो ये चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं उनको उनका हक मिले और उनको डेफिनेटली परमानेंट होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम इंशाल्लाह हमारा विद इन 4 to 6 weeks में हो जाएगा। सर, ग्रेटर इकबाल पार्क और मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट्स जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बदनवानी और जो है बेज़ाबतियों का इंकशाफ हुआ था जिसमें एंटी करप्शन में कई अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी चल रहे हैं, एप्लीकेशन भी आई हैं, इन अफसरान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आप नहीं समझते कि PHA को इन अफसरान से पाक होना चाहिए? जी देखिए, हमारी जो मियावाकी का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट जी बिल्कुल, उसमें एक थिक वेजिटेशन है, अर्बन फॉरेस्टिंग फॉरेस्टेशन जी जी, हमारे को 53 साइट्स बनी है, 303 कनाल्स के ऊपर हमने अबाउट 160,000 ट्रीज़ जो है वो लगाए हैं। उसमें अगर आप चले जाएँ, सगिया में चले जाएँ, जल्लों में चले जाएँ, इवन कि आप जलानी पार्क में चले जाएँ, उस मियावाकी के अंदर जब आप खड़े होंगे और बाहर खड़े होंगे तो आपको फील होगा कि वो ठंडी है, 3-4-5 सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है। रही बात अब उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जीक्यूशन में जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर किसी ने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो वो उसके खिलाफ़ इंक्वायरी और कार्रवाई होनी चाहिए। अब एंटी करप्शन ने एक कंप्लेंट पे इसको टेकअप किया हुआ है और उनकी इंक्वायरी इस वक्त चल रही है, उसमें अगर कोई कंक्रीट एविडेंस आता है, हमारे जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए थे, जो SOPs होनी चाहिए थी वो हुई हैं, बट उसमें अगर कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है और वो एंटी करप्शन से हमारी कोई रिकमेंडेशन आ जाती है तो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबल है ही हैज़ टू सर। PHA बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, लाहौर को तफरी सहूलियात फराम करने में भी जो है वो पेशे कदम है और देखा ये जा रहा है कि शजरकारी मुहिम्स भी जारी हैं जिससे स्मोक का जो ख़तरा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो ख़तरा है, उससे निपटने के लिए शजरकारी भी की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि PHA का कौन सा शोबा ऐसा है जिस पर तवज्जा देना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारा इंपॉर्टेंट काम तो है जी हॉर्टिकल्चर वाला, हॉर्टिकल्चर हमारा जो काम है PHA का वो दैट इज़ कंपैरेटिवली बेटर। हमारा मेन जो चैलेंज है वो हमारा फंड्स है, हमारी रेवेन्यू जनरेशन जी, उसके लिए हमें बिज़नेस प्लान चाहिए, HR की मैनेजमेंट हमें चाहिए, उसके अलावा हमने अपने जो ऑपरेशंस हैं इनको एक्सपेंड करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग मेरा जो मेन की टारगेट है वो हमारा बिज़नेस प्लान है, रेवेन्यू जनरेशन प्लान है, उसमें हमारे मिनिस्टर साहब का भी बहुत फोकस है, मार्केटिंग हमारे पास है, एडवर्टीज़मेंट हमारे पास है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो शॉप बोर्ड्स हैं उसको हम एडवर्टाइज़ करें, उसको ऑक्शन करें, उसमें हमें कोई अच्छी बिड्स आ जाएँ, उसके अलावा हमारी जो लीकेज है मार्केटिंग के अंदर उसको हम प्लग इन करें ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो कम हो और PHA एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे। सर, इस साल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारा 1400 million का डेफिसिट है सैलरीज के अंदर, हमें गवर्नमेंट की जो ग्रांट आती है वो 1900 million है और हमारा जो एक्सपेंस है वो 3300 million है, तो 1400 million का हमें डेफिसिट है। लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू था वो 1 billion के करीब था, इस मतलब हमारा टारगेट है कोई 1500 million के करीब, हम उस जो गैप है अब सैलरीज का उसको हम ब्रश कर रहे हैं, साले के साथ में हमें डेवलपमेंट करनी होती है, पार्क्स को मेंटेन करना है, हमारा एक फ्लीट है गाड़ियों का उनको हमें मेंटेन करना होता है, उसके अलावा जो ईयरली इंक्रीज़ आता है सैलरीज के अंदर, इवन के डेली वेजेस के अंदर, उसको हमें मीटअप करना होता है, तो फाइनेंशियली वो आर बिट स्क्वीज्ड बट हमने उसके लिए समरी भी मूव की हुई है, अपने रेवेन्यू को एनहांस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बिज़नेस प्लान को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लीकेजेस को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पूरी सम अप गेम में जो PHA है वो फाइनेंशियली वायबल हो। सर, मुझे बताइएगा कि विंटर फेस्टिवल में किन किन कंपनियों ने स्पॉन्सर किया? विंटर फेस्टिवल में हमें जश्न बहारा हमारा एक रेगुलर इवेंट है जी, उसमें हमें स्पॉन्सर बहुत ईजीली मिल जाते हैं क्योंकि उसकी एक ट्रेडिशन सेट जी है जी। विंटर फेस्टिवल क्योंकि हमने बहुत अरसे बात किया है तो इसमें हमें फंड्स का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, 2-3 कंपेन्स हमें मिली हुई हैं जिसकी वजह से हमारा ये काम चल रहा है, बट स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर मोर 15 days ताकि हमारा जो इवेंट है इसकी क्वालिटी कम। सर, विंटर फेस्टिवल हो या जश्न बहारा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इसमें आपकी ना एक बंदा जो कॉन्टीन्यूसली कर रहा होता जी उसकी एक्सपर्टीज़ डिवेलप हो जाती है, बट हमारा कोई बाइस और कोई प्रेजुडिस नहीं होता, हम एक अखबार इश्तिहार देते हैं, अखबार इश्तिहार 2 नेशनल डेरीज़ में छपता है, उसमें सबको पता होता है कि हमने इसमें बिड भर सकते हैं और हमें नंबर ऑफ़ बिड्स भी आती हैं, इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर इवेंट्स थोड़ी कम होती हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस बंदे के कनेक्शंस हैं और जिसके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं, फूड स्टॉल्स हैं, आर्टिजन्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, तो इसी वजह से शायद ये दैट माइट बी द ओनली रीज़न कि जो ये काम करते हैं वही आते हैं और वही इंटरेस्ट लेते हैं, वही अप्लाई करते हैं और एंड पे वो उनकी बेड भी बेहतर होती है। PHA में कुछ पार्क्स ऐसे हैं जिनको सियासी नामों से भी मंसूब किया गया, इसकी क्या वजह? देखें, अगर
میرے نالج میں ایسا کوئی پارک نہیں ہے جس کو انیشیلی ہم نے کوئی نہیں. سبزار میں پارک ہے کلثوم نواز لیڈیز پارک ہے جس کو سیاسی نام ہی ہے کیونکہ نواز شریف کی جو ہے وہ بیگم بھی ان کی وائف ہیں تو ان کے نام سے اس پارک کو منسوخ کیا گیا ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کے اپنے ڈیسیزنز ہوتے ہیں بٹ ہمارا جو پی ایچ اے کا کام ہے اور پی ایچ اے کا جو فوکس ہے ہم نے پارک کو ڈیولپ کرنا ہے اس میں پولیٹیکل اونرشپ ہے اس میں کیا ڈیسیزنز ہوتا ہے دیٹ از اپ ٹو دی گورنمنٹ. سر پارکس کی مینٹیننس کے حوالے سے کیا لیا جا رہا ہے؟ پارک کی مینٹیننس کے حوالے سے ہمارا ایک پورا کمپریہنسو پلان ہے. ابھی ہم نے 48 پارکس کو ٹیک اپ کیا ہے ان میں سے ہر ایریا میں جو ہمارے 5 پارکس ہیں ہمارے 8 زون ہیں 8 زونوں میں 5 پارکس کو ہم نے پک کیا ہے 40 پارک یہ ہو گئے اور اس کے علاوہ منسٹر صاحب نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ہم ایک ایریا میں کم از کم ایک لیڈیز پارک کو بھی انکریز کریں انہانس کریں اس کو اپ گریڈ کریں تاکہ لیڈیز بھی آئیں وہاں پہ جاگنگ کریں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کریں اور تھوڑا ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے جس میں اگر وہ انڈیویجولی لیڈیز پارک ہے اسپیسیفکلی تو دے مائٹ فیل مور کمفرٹیبل. تو لیڈیز پارک کو ہم کر رہے ہیں واش رومز کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کی باؤنڈری والس کے ایشوز ہیں ان میں گرینری کے ایشوز ہیں کچھ گرے ایریاز ہیں گرے پیچز ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر کریں امپروو کریں تاکہ جو لاہور کے لوگ ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ پارکس کی طرف. سر لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سیر و تفریح کے لیے یہاں پر فیملیز آتی ہیں دوست اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں جیسے کہ ونٹر فیسٹیول لگا ہے تو ڈیلی کی بنا پر لوگ آ رہے ہیں سیچرڈے سنڈے کوئی لوگ پارکوں میں وزٹ کرتے ہیں یہاں پر آنے والے لوگوں کو ونٹر فیسٹیول کے حوالے سے اور شجر کاری کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارا ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے جی فوڈ جو ہمارا آرٹیزن کورٹ ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا یہ ایک شاپنگ ایرینا ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے ہمارے ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا کام صرف اپنے پاس کو ریہیبلیٹیٹ یا مینٹین کرنا نہیں ہے پی ایچ اے کا. پی ایچ اے کا فوکس ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ان کو دے ان کو بتائے کہ لاہور میں کون سے درخت لگ سکتے ہیں پیپل لگ سکتا ہے نیم لگ سکتا ہے آپ نے اپنے گرین بیلٹس کو کیسے ریسٹور کرنا ہے کس ٹائم پہ آپ نے اپنے گراسی پلاٹ کو یوریا پرووائڈ کرنی ہے ٹری واشنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کہیں پہ کوئی ٹری کٹنگ ہوتی ہے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کوئی گرین بیلٹ کی انکروچمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے ہمیں کیسے بتانا ہے اس کے لیے ایک ہاٹ نمبر بھی ہم پی آئی ٹی پی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور ہماری ڈیجیٹلائزیشن بھی چل رہی ہے تو ہمارا جو کنیکشن ہے ود دی پیپل آف لاہور دیٹ وڈ بی مور کلیئر اینڈ ڈائریکٹ اور ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ لاہور کے لوگ اور پی ایچ اے مل کے لاہور کو گرین بھی بنائیں گے اور کلین بھی بنائیں گے. جی بالکل ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے کہ پی ایچ اے زبردست کام کر رہا ہے لاہور کو خوبصورت بنانے میں اور شجر کاری مہم جو ہے وہ ڈیلی بنا پر جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لاہور کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.